चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। आज हम बहुत ही इजी बैग बनाने वाले हैं। तो इसके लिए देखिए, दो पीसेस मैंने मेन फैब्रिक लिए हैं, दो पीसेस मैंने राइस बैग के लिए हैं, प्लास्टिक वाला जो राइस बैग होता है एम्प्टी, और टू पीसेस मैंने लाइनिंग के लिए हैं। सबके मेजरमेंट सेम है। इनके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। इसकी विड्थ मैंने ली है 19 इंच और इनकी लंबाई मैंने ली है 16 इंच। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जो मेन फैब्रिक है इसके साथ ये जो प्लास्टिक वाला आटा बैग है ये रखना है, और इसके ऊपर ये जो मेन फैब्रिक है ये रखना है। इस तरीके से रखते हुए इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए ताकि हमारे पास ये सिंगल पीस रेडी हो जाए। तो एक पीस इसके साथ ज्वाइन कर लीजिए और एक पीस इसके साथ। ये मैंने इसके साथ जो एम्प्टी राइस बैग होता है उसको इस तरीके से देखिए सिलाई के साथ पूरा अटैच कर लिया मेन फैब्रिक के साथ। इसके साथ भी अटैच हो गया, इसके साथ भी अटैच हो गया, तो दोनों पीसेज अटैच हो गए। अब 2 मिनट हम इसे साइड पे रखते हैं। पहले हम इसको इस पे निशान लगाएंगे। निशान कैसे लगाने हैं, 3 इंच पे हमें इस पे निशान लगाना है। तो यहाँ कॉर्नर से 3 इंच पे निशान लगाया, इसे सीधा स्ट्रेट मिला दीजिए 3 इंच, इसे सीधा स्ट्रेट मिला लीजिए। ये मैंने निशान लगा लिया, ऐसे ही निशान इस तरफ भी लगा लिया। ये दोनों तरफ मैंने 3 इंच का निशान लगा लिया। जैसे निशान इस पे लगाया है वैसे ही इस पे भी लगा लीजिए। ये देखिए, ये मैंने इस पे निशान लगा लिया, यहां से 3 इंच पे इस पे भी और इस पे भी, दोनों पे हमारे निशान लग गए। अब हम इस पे जिप लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने जिप ली है। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको कितनी ली है। ये मैंने ली है 15 इंच की मैंने जिप ली है। अब आपको करना क्या है, एक जिप का पीस इसके साथ और एक इसके साथ अटैच करेंगे। अटैच कैसे करना है, ये जो हमने निशान लगाया है ये जिप के लिए ही हमने लगाया है। तो इस तरीके से जिप को लेना है, सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए इस निशान के ऊपर पहले ऐसे रखना है और फिर हम इसे इस तरीके से घुमा देंगे, ये देखिए, और फिर इसे लंबाई में लगाते हुए इस निशान तक, यहाँ तक हमें इसे सिलाई लगाना है इस तरीके से। तो चलिए हम सिलाई लगाते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको दिखाया था सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है, पहले इसे ऐसे रखना है और सिलाई लगाते हुए हम इसे ऐसे घुमा लेंगे। तो हम इस पे सिलाई लगाते हैं। तो मैंने आधी सिलाई लगा ली, अब इसे हम इस तरीके से घुमा लेते हैं। जहां तक ये निशान है यहीं तक आपको सिलाई लगानी है। तो मैं इसे डबल कर देती हूँ सिलाई को। ये देखिए, जहां तक निशान तक वहां तक जहां तक निशान था वहां तक मैंने इस पे सिलाई लगाई है। तो इस तरीके से यहां से लेके यहां तक। अब क्या करना है, इसके ऊपर लाइनिंग वाला पीस रखना है आपको। हमें लाइनिंग वाला पीस रखना है इस तरीके से रखते हुए, यहां से लेके यहां तक हम इस पे सिलाई लगाएंगे। बस जब यहां पे आप आएंगे तो जिप को इस तरीके से नीचे को कर लीजिएगा ताकि हमारी जिप पे यहां तक कॉर्नर तक सिलाई ना लगे। जिप को इस तरीके से नीचे को करते हुए फिर इस पे हम लंबाई में सिलाई लगा लेंगे। इस पे सिलाई लगा लेते हैं। ये पूरी सिलाई लग गई। अब इसे सीधा कर लीजिए। ये देखिए, तो इस तरीके से इसमें जिप हमारी देखिए इंसर्ट हो गई। यहाँ से जिप इंसर्ट होते हुए ये देखिए, यहाँ से इस तरीके से और यहाँ इस तरीके से। अब इसके ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक टॉप स्टिच लगा लीजिए। जिप लग गई यहां से देखिए इस तरीके से और यहां से ऐसे इस तरीके, जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है इसे कट कर लीजिएगा। तो जैसे जिप इस पे लगाई है ऐसे ही दूसरे पीस पे भी लगा ली। दोनों में जिप को अटैच कर लिया यहां से देखिए इस तरीके से, जैसे अभी मैंने आपको बताया है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। देखिए, जो हमने निशान लगाए थे ये हमने जिप के लिए लगाए थे। अब हमें क्या करना है, पहले हम इसके लिए स्ट्रैप बना ले। स्ट्रैप बनाने के लिए 3 इंच बाय 22 इंच का मैंने फैब्रिक लिया है। इसे फोल्ड करके स्ट्रैप को रेडी कर लीजिए। 1 फोल्ड, 2 फोल्ड,
3/4 सिलाई लगा के इसे और इसे दोनों स्ट्रैप को रेडी कर, दोनों स्ट्रैप को रेडी कर लिया। अब स्ट्रैप को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस वाले पीस को लेना है यहाँ पे इस तरीके से, इसके अंदर अंदर होनी चाहिए हमारी स्ट्रैप। तो हम यहाँ पे इसे रख लेंगे, यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 2.5 इंच, यहाँ से भी 2.5 इंच स्ट्रैप को रखना है इस तरीके से। यहाँ पे फोल्ड करते हुए दोनों तरफ से यहाँ पे स्ट्रैप को अटैच कर लीजिए। एक स्ट्रैप को इसके साथ और एक स्ट्रैप, ये मैंने स्ट्रैप को अटैच कर लिया, एक स्ट्रैप इसके साथ और एक स्ट्रैप इसके साथ। अब आपको क्या करना है, ये जो हमने निशान लगाया हुआ है इस तरीके से, दोनों पीसेस इकट्ठे पकड़ने हैं, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है अंदर की तरफ। यहाँ पे मैंने फोल्ड कर लिया और यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लीजिए। इस तरफ भी 1, यहाँ से भी निशान के ऊपर फोल्ड करते हुए नीचे लाइनिंग वाला पीस भी ले लीजिएगा साथ में। ये मैंने अंदर को फोल्ड किया यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। सेम उसी तरीके से इस वाले पीस पे भी लगा लीजिए, इसे भी यहाँ से फोल्ड करते हुए जो हमने निशान लगाया है इस निशान के ऊपर सिलाई लगा लीजिए 1, और सेम यहाँ से फोल्ड करते हुए इस तरीके से 2। तो करेंगे ये जो हमारा लंबाई में निशान है हमने पहले लगा रखा था, ये मैंने फोल्ड कर लिया इस तरीके से। फोल्ड करते हुए पूरी हम इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ कॉर्नर पे सिलाई लगा दी। तो ये हमारी सिलाइयाँ लग गई, इस पे भी लग गई और इस पे भी लग गई, दोनों पे लग गई। अब हमें क्या करना है, पहले हम यहाँ इसे बॉटम की तरफ से शेप दे देते हैं। तो यहाँ यहाँ 1, 2, 3 और 4 चारों तरफ से हमें शेप देनी है। कितने इंच की देनी है, 2.5 इंच बाय 2.5 इंच की हमें शेप देनी है। ये मैंने बॉटम की शेप दे दी। अब हमें क्या करना है, पहले हम इसमें रनर डाल लेते हैं। तो इस तरीके से रखते हुए ये वाले कॉर्नर को इकट्ठे मिलाते हुए और जिस तरफ से हमने छोड़ा हुआ था उसे इकट्ठे मिलाते हुए यहाँ से इस तरफ से रनर को इंसर्ट, मैंने रनर को इंसर्ट कर लिया क्योंकि यहाँ से हमारा बंद है तो यहाँ से हमारा रनर बाहर नहीं निकलेगा। इस तरीके से ये रनर इंसर्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से पहले हम जिप को फिनिश कर लेते हैं। तरीके से सिंपल फैब्रिक लिया, 1 फोल्ड 2 फोल्ड, यहाँ साइडों से भी फोल्ड करते हुए इस तरीके से जिप को लेना है। जिप को बीच में रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे साइडों में ऐसे रखते हुए इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए तो साइड से हमारी जिप फिनिश हो जाए। ये देखिए जिप को मैंने इस तरीके से पट्टी से फिनिश कर दिया। तो ये हमारी जिप लग गई और जिप हमारी फिनिश भी हो गई। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से फोल्ड कीजिए अंदर की तरफ। यहाँ पे मैंने फोल्ड कर दिया, 3 सिलाइयां लगानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 और यहाँ से लेके यहाँ तक 3। दो सिलाइयाँ लगा ली, 1, 2 और 3 बेस की भी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से बेस बना लीजिए। तो यहाँ से इसे पकड़ना है इस तरीके से, पकड़ते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए 1 और सेम उसी तरीके से यहाँ पे पकड़ना है इस तरीके से 2। तो 1 और 2 दोनों बेस की सी मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब रफ एजेस पाइपिंग से फिनिश करना चाहते तो फिनिश कर लीजिए और यहाँ से बैग को सीधा कर। ये देखिए ये मैंने इसे सीधा कर लिया। तो इस तरीके से देखिए मेरा बैग रेडी हो गया। फ्रंट साइड, बैक साइड, वाइड बॉटम, साइड्स और यहाँ से हमारी स्ट्रैप आ गई। यहाँ से वाइड ओपनिंग देखी, काफी ज्यादा स्पेस। यहाँ जिपर के साथ देखिए इस तरीके से क्लोज हो गया विद हैंडल्स और इसकी स्टिफनेस भी काफ़ी अच्छी बनी है। हमने इसमें राइस बैग डाला हुआ है देखिए इस तरीके से साइड्स। तो ये जिप के साथ हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया देखिए इस तरीके से। तो बनाने में बहुत ही आसान, सिंपल और इजी तरीके से हमने इसे बनाया है। तो बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, जिपर के साथ बिल्कुल रेडी है।